कितनी देर हो गई कैब बुक किए, लेकिन अभी तक आया नहीं ये। हाँ जी मैडम, कहाँ जाना है आपको? तू बेकार में परेशान मत हो, मैंने कैब बुक कर दी है, बस वो आती होगी। तू जा यहाँ से। मैडम इस शहर में ना कैब की सर्विस बहुत ही ज्यादा बेकार है, बहुत ज्यादा टाइम लगा दी आपके पास आने में। आप ना ऐसा करो, मेरे ही रिक्शे में बैठ जाओ। हाँ ये रिक्शे वाला कह तो ठीक रहा है, और मुझे वैसे भी जल्दी जाना है, और क्या पता ये कैब वाला आए भी या नहीं। एक काम करती हूँ, इसी के रिक्शे में बैठ जाती हूँ। अरे मैडम इतना क्या सोच रही हो, बैठ जाओ ना मेरे रिक्शे में। ठीक है मैं कैब कैंसिल कर देती हूँ, लेकिन तुम जल्दी पहुँचा देना मुझे। मैडम क्या बात है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? तुझसे कोई मतलब है, मेरा कोई अर्जेंट काम? अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गई। वैसे आपका ये बैग बहुत प्यारा लग रहा है, क्या है इसमें? इस बैग में कुछ भी हो मैं तुझे क्यों बताऊं? मैडम आपके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कुछ छिपा रही हो। देख तो रिक्शे वाला है, कोई पुलिस वाला नहीं जो मुझसे इतनी छानबीन कर रहा है। अपने काम पे ध्यान दे जो तू काम कर रहा है, समझा? अरे मैडम आप तो गुस्सा हो गई, जल्दी से बैठो अभी मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम रिक्शे वाले होते ही ऐसे हो, अपनी औकात भूल जाते हो। चल अब जल्दी से। बस यही रोक ले। अरे मैम साहब ये तो विक्रम सिंघानिया जी का घर है ना, जो बहुत बड़े समाज से भी हैं। हाँ ये उन्हीं का घर है और वो मेरे बॉस हैं। मैं उन्हीं के साथ मिलकर समाज सेवा करती हूँ। उनके 4 अनाथ आश्रम और 2 वृद्ध आश्रम हैं। हाँ मैम साहब मैंने ना बहुत सुना है इनके बारे में, लेकिन मैम साहब अभी कुछ दिन पहले इनके अनाथ आश्रम में कुछ बच्चों की मौत भी तो हो गई थी। नहीं उसमें बॉस की कोई गलती नहीं थी, उन बच्चों ने ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया था। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं मैम साहब, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था आपसे। हाँ ठीक है अब मैं जा रही हूँ, और तू भी जाए यहाँ से। क्या देख रहा है, अभी तक गया नहीं, जाए यहाँ से। अरे मैम साहब मैं ना विक्रम सिंघानिया जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, और मेरी ना दिल की इच्छा है कि मैं एक बार उनसे मिलूं, क्या आप मुझे मिलवा सकती हो? तेरे जैसे रिक्शे वाले की हैसियत नहीं है उनसे मिलने की। अब चल निकल यहाँ से। अरे साहब यहाँ पर कैसे खड़े हो, बताइए कहाँ जाना है आपको? भैया जहाँ पर मेरी किस्मत लेकर जाएगी मैं वहीं पर चला जाऊँगा। अरे साहब आप देखने में ना मुझे बहुत दुखी लग रहे हो, आपके साथ में कोई घटना हो गई है क्या? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ऊपर वाला और किसी के साथ ना करे। लेकिन साहब ऐसा क्या हुआ है आपके साथ? मेरे 2 छोटे भाई हैं, मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, मैंने उनके भविष्य को देखकर उनकी शादी भी कर दी, और मैंने सारी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया, और आज मैं खुद रोड पर आ गया। देखिए भाई साहब इसमें ना सारी गलती आप ही की है, क्योंकि आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में जो बांट दिया, लेकिन आपने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं तो अपने भाइयों के भविष्य की चिंता कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वो सुखी हैं तो मैं सुखी हूँ। तुमने तो अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचा। सारी गलती मेरी है, मुझे अपने बारे में भी सोचना था, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान होता है, इसलिए मैंने उनके बारे में भी सोचा। लेकिन भाई साहब अब आप करोगे क्या, आपके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है। देखिए मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तुम्हें आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ना तुम जैसे लोगों को ध्यान रखने के लिए। अरे मैम साहब आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मैम साहब मैं आपकी बात को समझा नहीं। क्या भाई साहब आप इनको नहीं जानते हो? ये ना विक्रम सिंघानिया जी की पीए हैं, जो कि बहुत बड़े समाज से भी हैं। उनके ना इस शहर में
4 अनाथ आश्रम और 2 वृद्धा आश्रम है, ये लोग मिलकर समाज सेवा करते हैं। हाँ अब तो मेरे साथ चलिए, वहाँ पे तुम्हारा पूरा ध्यान रखा जाएगा। अब तो अनाथ आश्रम ही एक ऐसी जगह बची है जहाँ मेरी जिंदगी सुकून से कट सकती है। भाई साहब अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, शायद मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। बड़ा बेवकूफ आदमी है तू, जब इन्हें मैं अपने साथ ले जा रही हूं, तो फिर तो इसकी क्या मदद करेगा, पहले तो खुद की हालत देख, तू क्या दूसरों की मदद करेगा, जाके अपना काम कर समझा। चलिए आप मेरे साथ। पर तो उन भाई साहब की घड़ी गिर गई है, अब क्या करूं? ऐसा करता हूं इसे ना अपने पास ही रख लेता हूं। अरे मैडम आ गई हैं आप, मैं ना आप ही से मिलने के लिए आया था। क्यों, ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे जो मुझसे मिलना था? मैडम मुझे ना आपके साथ में अनाथ आश्रम जाना है। लेकिन तुझे अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? मैडम 2 दिन पहले आप जिस व्यक्ति को अनाथ आश्रम लेकर आई थी वहाँ पर ना उसकी ये घड़ी गिर गई थी, मैं इसी को वापस करने के लिए आया हूँ। सॉरी उनकी तो कल ही मौत हो गई। क्या मैडम मौत हो गई? लेकिन 2 दिन पहले तो वो बिल्कुल ठीक थे, अचानक ये सब कैसे हो गया? तो दिमाग से हटा हुआ है क्या? आदमी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता है कि कब दुनिया छोड़कर चला जाए। लेकिन मैम साहब इससे पहले भी आपके अनाथ आश्रम में बहुत सी मौतें हो चुकी हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके अनाथ आश्रम में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं? तुझे सवाल जवाब करने की ना कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई है, इतने सवाल तो पुलिस वाले भी नहीं करते जितना तू करता है, तू अपने आप को समझता क्या है? मैडम ये हाथ उठाने की गलती ना दोबारा से मत कर देना। नहीं तो क्या कर लेगा तू? अरे क्या हुआ कोमल, इससे झगड़ा क्यों कर रही हो? सर आप नहीं जानते ये मामूली से रिक्शे वाला है, लेकिन सवाल ऐसे कर रहा है जैसे कहीं का कलेक्टर हो। क्यों रे रिक्शे वाले, तू हमारे बारे में जानना क्या चाहता है और वैसे कौन है तू? साहब मैं तो एक गरीब रिक्शा वाला हूँ, भला मैं आपके बारे में क्या जानूंगा? सर ये सवाल जवाब तो ऐसे करता है जैसे किसी का जासूस हो, उस दिन ये मुझे छोड़ने आया था तब भी ऐसे सवाल जवाब कर रहा था। लेकिन मैम साहब आपको किसी भी जासूस से डरने की क्या जरूरत है, आप लोग तो अनाथ आश्रम और वृद्धा आश्रम चला रहे हो, समाज से भी हो, तो फिर आपको पुलिस से इतना डर क्यों लगता है? देख हम किसी से भी नहीं डरते हैं और तू अभी हमारे बारे में जानता नहीं है कि हम कितने पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं। साहब आपसे एक बात कहूं, जब इंसान के दिन बुरे आते हैं ना तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी धरा का धरा रह जाता है। देख हम उनमें से नहीं है, हम दिन रात मेहनत करके लोगों की सेवा करते हैं और वैसे भी ये पूरा शहर जानता है हमारे बारे में। साहब मुझे पता है कि आप कितने बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन साहब मैं भी आपके साथ में जुड़कर समाज सेवा करना चाहता हूँ। एक दिन मैंने मैम साहब से कहा था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैम साहब ने मुझे मिलने नहीं दिया। चल अच्छी बात है तू हमसे जुड़ना चाहता है, अगर हमें मौका मिला तो तुझे एक बार सेवा का मौका जरूर देंगे। अब एक काम कर तू अपना रिक्शा उठा और जा यहाँ से। ठीक है साहब। मैं घर से निकल चुकी हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, मुझे कोई सवारी नहीं मिली इसलिए पैदल आना पड़ रहा है। ठीक है सर। अरे मैम साहब रुको जरा, कहाँ भागे जा रही हो? अच्छा वो तो टाइम पर आ गया, चल जल्दी से मेरे साथ। हाँ मैडम बैठिए। मेरे पास उसका मेंटल सर्टिफिकेट है। अरे ये तो वही आदमी है जो आश्रम से भागा है, यही रोक लो तुम। जी मैम साहब।
यहाँ पे क्या कर रहा है? चल मेरे साथ। नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है, तुम लोगों की जिंदगी साथ खिलवाड़ कर रही हो। तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? चुपचाप से चल मेरे साथ। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। मैं पुलिस को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। अरे मैडम, कौन है ये जिसको आप पीट रही हो? तुम हमारे साथ मिलकर समाज सेवा करना चाहते थे ना, तो इस आदमी को आश्रम तक ले जाने में मेरी मदद करो। लेकिन मैडम आप मुझे बताओ तो सही कि ये आदमी है कौन? ये हमारे अनाथ आश्रम से भाग आया है क्योंकि ये मेंटल है। ये देखो ये रहा इसका मेंटल सर्टिफिकेट, लेकर चलो इसे मेरे साथ। अब भाई मैं मेंटल नहीं हूँ, मुझे अपने साथ लेकर मत जाओ। अरे चलना। साहब मुझे मत लेकर जाइए। बकवास बंद कर, बैठ इसमें, बैठ चल। अरे साहब रुकिए रुकिए, मुझे बचा लीजिए। हाँ बता क्या हुआ तुझे? अरे मैम साहब देखो यहाँ पर तो पुलिस आ गई, अगर आप बचना चाहती हो ना तो ऐसा करो जल्दी से अपने बॉस को कॉल करो, उनको ना यहीं पर बुला लो, तभी बच सकते हैं हम। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ। अरे साहब ये तो मेंटल है, इसकी बातों में मत जाइए। ये देखिए इसका मेंटल सर्टिफिकेट। तुम लोग ऐसा करो इस रिक्शे को रोड से हटाकर साइड में लगा लो। सर ऐसे लोगों का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है और हमारी संस्था इनका ख्याल रखती है। आपके बारे में मैंने सुना है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। सर इनकी बात मत मानिए, ये लोग फंसा रहे हैं मुझे। आप तो सीधी तरह से इनके साथ जाएगा या फिर मैं छोड़कर आऊँ? रहने दीजिए सर, इसको हम ही लेकर चले जाएंगे, वैसे भी इस पागल की कोई भी गलती नहीं है। सर आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, ये आदमी ना बिल्कुल ठीक है, कोई पागल नहीं है। और ये जो मैडम के पास सर्टिफिकेट है ना, ये पूरी तरह से फर्जी है, आप खुद देख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब अब इन दोनों लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लीजिए। सही तो है ये सर्टिफिकेट, और वैसे भी मुझे ऑर्डर देने वाला तो होता कौन है। अच्छा तो आपको ये सर्टिफिकेट बिल्कुल ठीक लग रहा है और आप जानना चाहते हो ना कि मैं कौन हूँ? CBI ऑफिसर रोहित आसराणा। जैन सर क्या तुम CBI ऑफिसर हो? हाँ, और मैं इस शहर में रिक्शा चालक बनकर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ना तुम्हारे आश्रम के बारे में पहले से ही पता चल चुका था कि तुम्हारे आश्रम में बहुत बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, तुम लोगों की किडनियाँ निकाल कर बेचते हो। सर आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? आप हमें इन्फॉर्म कर देते, हम इन लोगों को पकड़ लेते। क्या कहा? मैं तुम्हारे लिए इन्फॉर्म कर देता, तुम इनको पकड़ लेते। इंस्पेक्टर तुम्हारे ऐसे लोगों की वजह से ना हमारे देश में पुलिस का नाम बदनाम हो चुका है। और हाँ सही से तुम इस सर्टिफिकेट की पहचान तो कर नहीं पाए, इन लोगों को क्या पकड़ते? सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। ऐसा है माफ़ी तो ना तुम बाद में मांगना, पहले इन लोगों को थाने लेकर चलो। ठीक है सर, चलो भाई।